अगर आपको इस इलाके में स्टे करना है तो मंदिर का ही यहाँ पर आपको भक्त निवास मिल जाएगा। तो यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल है और डॉर्मेटरी सिस्टम भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये रही हमारी आज की सवारी। आज हम हैं कोंकण में, और कोंकण में एक टेंपल एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि मैं सोया हुआ था। कहाँ पे आए हुए मुझे भी नहीं पता है। हाँ, यहाँ पे केशरी इस गांव में आए हुए हम, श्री कनिका दित्य मंदिर में। तो जूते यहाँ पर छोड़ के हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं अभी। तो कोंकण के साइड्स में किस तरह के टेंपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे विलेजेस में, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। श्री देव कनिका दित्य मंदिर मार्ग। तो दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप यहाँ पर हाथ पैर धो सकते हैं, और यहाँ पर जो है पूजा के लिए पानी वगैरह लेने के लिए कुआं भी है। और यहाँ पर भी एक कुआं है। रेंज नहीं है। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन लेते हैं। बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है पिलर्स वगैरह। नारायण सरसा सर तो दोस्तों, ये पूरा सागवान से बना हुआ है जो आप देख रहे हो, वेल मेंटेन कंप्लीटली। तो दोस्तों, यहाँ पर श्री गणेश जी का टेम्पल है, तो यहीं पर भी हम दर्शन ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर टेम्पल है, यहाँ पर सब पूजा के पाठ वगैरह रखे गए हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, आपको क्या लग रहा है, कितना सुंदर है सर जी। और हमारे सर यहाँ पर जल प्राशन करेंगे। आप ठंडा है सर? तो दोस्तों, तुलसी वृंदावन देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर। तो बहुत ही बड़ा तुलसी वृंदावन है, श्री आर्या दुर्ग मंदिर।
श्री शंकर मंदिर। ओम नमः शिवाय। तो हमारे यहाँ मीर साहब दर्शन ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर शिव जी है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों यहाँ पर विष्णु का टेंपल है, विष्णु जी का, और यहाँ पर दीपमाला है दोनों तरफ है। बहुत ही सुंदर टेंपल है, इस तरह का आर्किटेक्चर कोंकण साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो यहाँ से एक एग्जिट मिल जाता है हमको मंदिर के पीछे के साइड में। यहाँ तक गाड़ियाँ पार्क हो सकती है ऑलमोस्ट। और उस साइड में वॉशरूम है, अंदर से आप जा सकते हो। वॉशरूम जो है टेंपल के बाहर के हिस्से में बनाया जाता है इस तरफ। बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कुमकुम, आंवला शरबत, कैरी पन्हा, अमसूल, चीन, सांबोली, फनस पोड़ी, फनस गरी, सांडी मिर्ची, पोहा पापड़, तांदूल पापड़, ये सभी चीज़ें जो कुमकुम में मिलती है ना आपको, ये शॉप पे सब कुछ मिल जाएगा। और ये शॉप जो है टेंपल के अंदर के भीतर ही है, तो यहाँ से आप शॉप कर सकते हो। तो दोस्तों जितना अभी सागवान का काम अभी भी चल रहा है ना टेंपल का, वो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर बन के फिर अंदर वहाँ पर लग रहा है। तो बहुत ही सुंदर काम बनाया गया है। आप भी जब इस साइड में आओगे तो दर्शन ज़रूर लीजिएगा। टेंपल के बाहर आपको बहुत बड़े बड़े तुलसी के वृंदावन दिख जाएंगे। और यहाँ पर शायद प्रसाद वगैरह मिल सकता है आगे जाके। तो दोस्तों अगर आपको इस इलाके में स्टे करना है तो मंदिर का ही यहाँ पर आपको भक्त निवास मिल जाएगा। तो यहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल है और डॉर्मेटरी सिस्टम भी अवेलेबल है। तो आपको अच्छा सा एक्सप्लोर करने के लिए, कोंकण को विजिट करने के लिए मिल जाएगा। एग्जैक्टली टेम्पल के बाहर ही अवेलेबल है।